सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल ड्राइंग स्टडी को और बेल के आइकन को दबा दें, साथ ही ऑल पर क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। सभी को मेरा राम राम। आज हम पढ़ेंगे प्रश्न नंबर 81। एक चतुर्भुज बनाओ जिसकी भुजाओं के जोड़ ए बी और एक कोण एक्स दिया है। हमें तीन चीजें दे रखी है, हमने ये तीनों ले लेनी है। सबसे पहले हमें दिया हुआ है दो रेखाएं हैं ए और बी, तो हम यहाँ दो रेखा ले लेते हैं। हमारी रेखा है ये, हमारी रेखा ए, थोड़ी और मैं इसको लंबी ले लेता हूँ, और ये रेखा हमारी है बी, ये ए बी रेखा, और एक हम ले लेते हैं इसमें एक्स कोण। ये हमारा कोण है, ये हमारा कोण x। हमने क्या करना है, सबसे पहले जो हमारे पास a भुजा दे रखी है इतनी हमने जो है वो आधा लेना है ए बी, तो इतनी भुजा ले लेंगे पहले। ये हमारी है 8 सेंटीमीटर, तो 8 सेंटीमीटर एक रेखा ले लेते हैं। ये है हमारा आधार ए और बी, तो हमने क्या करना है, जितनी हमारा ये कोण है ये आप देख सकते हैं, इतना ही कोण मैंने ए पॉइंट में बनाना है यहाँ पे। इस तरह से जितना ये हमारा बड़ा है, ये देखिए यहाँ पे इतना कोण है, तो यहाँ पे इसको कोण हम बना देते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे हम जो है वो एक रेखा लगा लेते हैं, डॉटेड नहीं, डॉटेड नहीं लगाएंगे, हल्की लाइन हम यहाँ पे लगाएंगे इस तरह से, और जितनी हमारी ये बी रेखा है इतनी हम प्रकार खोलेंगे, ये आप देख सकते हैं इतनी प्रकार खोल के ए से जो है वो यहाँ पे चाप लगा देंगे, निशान लगा देंगे इस तरह से, और इस रेखा को हम, ये हमारा एक्स कोण वाली रेखा है, इसको हम आगे बढ़ा देंगे यहाँ से, यहाँ तक चाप तक, और यहाँ पे पॉइंट हमारा आ रहा है डी। जितनी हमारी ये बी रेखा है और हमने यहाँ पे ए से डी ले रखा है, इतना ही हमने बी पॉइंट पर करके यहाँ पे हमने चाप लगानी है इस तरह से, और अब हमने जितनी हमारा ये ए है या हमने आधा ले रखा है ए बी, हमने इतनी प्रकार खोलनी है ये आप देख सकते हैं, और हमने ए ये डी पॉइंट पर प्रकार रखना है यहाँ पे, और हमने इस चाप को ऐसे काट देना है यहाँ पे, जहाँ पे ये चाप कट रही है ये पॉइंट हमारा आ गया सी। हमने क्या करना है, बी और सी को आपस में डार्क मिला देना है यहाँ से इस तरह से, और हमने सी और डी इसको भी हम यहाँ से डार्क मिला देना है, यहाँ पे हमने ए और बी को भी डार्क मिला देना है। ये पॉइंट आपका जो है वो ये रेखा आपकी है बी, ये रेखा आपकी है ए, और ये जो प्रश्न है ये है आपका 81, ये आपका बन के तैयार। हमारा है प्रश्न नंबर 82। एक समानांतर चतुर्भुज बनाओ जिसके दो विकर्ण ए बी और उसके बीच का कोण 60 डिग्री का दिया है। तो दो विकर्ण दे रखें ए और बी, और एक हमें कोण और 60 डिग्री का हमने बनाना है, तो हम लेंगे नहीं, वो तो ऐसे भी हम बना लेंगे इसमें। तो सबसे पहले हम जो है वो एक कर्ण ले लेते हैं, ये हमारा कर्ण आ जाता है ए, ये हमने
एक कर्ण ले लिया है, एक हमारा जो इसमें कर्ण है वो बी है, तो हम बी कर्ण भी ले लेते हैं यहाँ पे। ये हमने कर्ण ले लिया है बी, और हमने क्या करना है, ट्री हमारा कर्ण है ए है, रेखा ले लेते हैं, बीच का कर्ण हम इसका बना देंगे, ये हमने ले लिया है, इसको हम बनाएंगे ए सी। तो हमने क्या करना है, इतनी जो प्रकार नाप के हमने रेखा है वो ए सी ले लेनी है यहाँ से, इस तरह से। ये हमने ले ली 8 सेंटीमीटर, क्योंकि ये जो हमारी रेखा थी ये भी हमारी 8 सेंटीमीटर थी। ये देखिए, ये हमारा जो है ये है ए और सी, और हमने क्या करना है, ए और सी का समद्विभाजन हमने कर देना है यहाँ से। इस तरह से ये हमने सी से प्रकार रखी थी, हम ए पॉइंट पर प्रकार रखेंगे, इन चापों को हम जो है वो काट देंगे इस तरह से, जहाँ पे चापे आपस में कट रही हैं इसको हम जो है वो मिला देंगे इन पॉइंटों को। एक पॉइंट ये है हमारा और एक पॉइंट ये है, इसको हम रोटेट मिला देंगे इस तरह से। जहाँ पे ऐसी कर्ण को काट रहा है, ये पॉइंट हमारा आ गया ओ, हमने यहाँ पे 60 डिग्री का कोण बनाना है। जैसे जिसने कहा था कि यहाँ पे 60 डिग्री का एक कोण बनेगा, तो हम ओ पॉइंट पे एक इसमें 60 डिग्री का कोण बना देंगे। जितनी हमने प्रकार खोल रखी है, इतनी हमने जो है वो इधर को चाप लगानी है। ये आप देख सकते हैं, ये चाप जहाँ पे कट रही है ये हमारा 60 डिग्री का कोण है। यहाँ से हमने रेखा लगानी है ओ पॉइंट से 60 डिग्री वाली पे यहाँ पे, और हमने इसको डॉटेड आगे को भी और पीछे को भी हमने इसको ऐसे बढ़ा देना है इस तरह से। अब जो हमने ये बी पॉइंट एक कर्ण ले रखा है, इसको हम नाप लेते हैं, ये हमारा कितना है, ये हमारा 9 सेंटीमीटर, इसका हमने आधा करना है 4.5 सेंटीमीटर, इसका आधा आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, आधे जितनी हमने प्रकार खोलनी है, जितना इसका आधा है, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए बिल्कुल बराबर आ रहा है हमारे यहाँ से, यहाँ से ये आप देख सकते हैं, यहाँ से इस तरह से ये हमने आधा कर दिया है इसका। तो हमने इतना जो है वो इस कोण को इधर को काटना है, और इतने हमने इसको इधर को भी काटना है इस तरह से। और हमने क्या करना है, यहाँ जो ऊपर पॉइंट आ गया ये हमारा डी है, हम चाहो तो इस रेखा को थोड़ा नीचे भी ले सकते हैं, जो हमने ये रेखा ले रखी है आपकी 8 सेंटीमीटर ये है, इसको मैं थोड़ा ना बाहर को ले लेता हूँ, क्योंकि बीच में इसमें ये आ जाएगी यहाँ पे। ये हमने ले लिया है, ये आपका कर्ण है ए। अब मैं यहाँ से इसको रेस कर देता हूँ, इस तरह से। और ये जो हमारा पॉइंट है ये हमारा आ गया बी। अब हमने क्या करना है, ए और बी को हमने यहाँ से डार्क मिला देना है, बी और सी ये हमारा है, इसको भी हमने डार्क मिला देना है, सी और डी ये भी हमने डार्क मिला देना है, डी और ए इसको भी हमने डार्क मिला देना है। ये हमारी जो है वो रेखाएं आ गई है, और ये आपका जो है वो समांतर चतुर्भुज बनके तैयार हो गया। ये हमारा प्रश्न है 82, ये हमारा बनके तैयार हो गया। ये हमारा है 60 डिग्री का